डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। जामिया पीजी इंट्रेंस टेस्ट 2022 लिखा है, इसको आप 2023 समझ लीजिए। आईआर एंड एरिया स्टडी के जो पेपर हैं जो कल हुआ है, आई एम थैंकफुल मेरे कई स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, उसमें से जो मुझे एक थोड़ा बहुत ठीक कॉपी लगी हो, वैसे ये भी बहुत अच्छी नहीं है, उसको मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जल्दी से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, केवल महज 40 क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को है नहीं। तो अनयूजुअली जैसे मैं बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो ये मैंने बहुत तेज़ी से किया है कि मेरा और ध्यान कहीं और ना चला जाए और ये पेपर बच जाए। इसके चलते लेटेस्ट बिगिन और बहुत तेज़ी से देखते हैं जो बहुत सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो इसमें है ही जो अन्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो लेटेस्ट बिगिन जामिया पीजी इंट्रेंस टेस्ट 2023 आईआर एंड एरिया स्टडी 2023 पेपर एनालिसिस। ये आपको जो ऐसा अच्छा नहीं दिख रहा है स्कैनिंग, आई एम सॉरी, मुझे जितने भी मिले हैं पेपर सब इसी टाइप के स्कैन हैं, सो लेट अस बियर विद दिस, बट थैंक यू जो भी स्टूडेंट ने मुझे भेजा है, कई लोगों ने भेजा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपैरेटिव फॉरेन पॉलिसी इज द स्टडी ऑफ। जैसे आप इसको चार यदि ऑप्शन पढ़े, मैं चलिए एक बार जल्दी से पढ़ता हूँ, वैसे मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस पुट फॉरवर्ड बाय स्टेट ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी, इट इज नॉट लाइक दैट। मतलब बेसिकली क्या है कंपैरेटिव फॉरेन पॉलिसी, क्या है, आप पांच स्टेट ले लीजिए, मतलब कंट्री को स्टेट कहिए, नेशन स्टेट, और उनकी फॉरेन पॉलिसी का कंपेयर कीजिए, कंपेयर कंट्रास्ट एनालिसिस कीजिए, जो यहाँ लिखा हुआ है फॉरेन पॉलिसी इन वेरियस स्टेट्स, दिस इज व्हाट इट इज। उसके बाद देखेंगे तो फॉरेन पॉलिसी डिफरेंसेस फेवर्ड बाय डिफरेंट प्रेसिडेंट, किस कंट्री है पता नहीं, द डिफरेंस इन द आउटकम्स ऑफ डिफरेंट फॉरेन पॉलिसी, इट इज नॉट लाइक दैट। तो कंपेरेटिव फॉरेन पॉलिसी सिंपली ये है कि कई कंट्री के जो फॉरेन पॉलिसी को आप कंपेयर करते हैं। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, हम लोग सब जानते हैं कि 1648 में एक ट्रीटी हुई थी, इसको पीस ट्रीटी कहते हैं, 30 ईयर्स वॉर के बाद उस समय में, और वहाँ पे एक तरह की एक बात उभरी थी कि सॉवरेन स्टेट सिस्टम कैसा होगा उस समय का, जो जो भी यूरोप में एक छोटे से पार्ट उभरी वेस्टर्न यूरोप में जो स्टेट उस समय के थे उनका आपस में रिलेशन कैसा होगा। तो कुछ बातें जो उस संधि में हुई वो एक टेम्पलेट बन गई कि स्टेट छोटा हो चाहे बड़ा हो वो अपने आप में सॉवरेन है, उसके ऊपर कोई और सत्ता जो है नहीं है डोमेस्टिक या फॉरेन अफेयर में, छोटा हो या बड़ा हो कितनी भी पावर हो सब लीगली इक्वल है, चाहे मालदीव का प्रेसिडेंट हो चाहे यूएस का प्रेसिडेंट, आपस में वो इक्वल हैं फॉरेन लेवल पे, जब वो मिलेंगे तो इंटरनेशनल स्टेट सोसाइटी में दोनों की इज्जत बराबर होनी चाहिए, कोई भी स्टेट दूसरे के मामले में टांग नहीं अराएगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, एक दूसरे की सॉवरेंटी का जो है इज्जत करेगा, एंड लाइक दिस, इस तरह की बातें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में थी। तो यहाँ जब आप पढ़ेंगे तो ट्रीटी दैट एस्टैब्लिश द मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम कह लीजिए। वैसे अब इस पे जो है काफ़ी विवाद है कि क्या ये एक यूरोसेंट्रिक व्यू तो नहीं था, इस तरीके से जो एक छोटे से वर्ल्ड के पार्ट का जिसमें ना अमेरिका है ना ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड, एशिया नहीं है, अफ्रीका नहीं है, और वहाँ पे कोई चीज़ ऐसी होती है जिसके आगे भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई और उसको आप कहते हो कि एक लैंडमार्क इवेंट है, इस पर अब काफ़ी क्वेश्चन उठता है। 1648, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज थ्योरिस्ट मतलब थिंकर इज एसोसिएटेड विद द डिपेंडेंसी स्कूल। तो यहाँ पे जो चार हैं, रॉबर्ट कोहेन, आपको पता है रॉबर्ट कोहेन जो है वो कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंस के जनक हैं जोसेफ नई के साथ, जो कि नियो लिबरलिज्म के आप फादर कह सकते हैं, केनेथ वॉल्ज जो फादर हैं स्ट्रक्चरल या नियो रियलिज्म के, एंड्रे गुंडर फ्रैंक जो हैं वो डिपेंडेंसी स्कूल से जुड़े हुए हैं, इन्होंने लैटिन अमेरिका के डेवलपमेंट जो कि एक तरह से इनके अनुसार से डिपेंडेंट है, डेवलप्ड जो कैपिटलिस्ट नेशन है उसके डेवलपमेंट पे और उसके बाजार की तरह एक तरह से काम करता है, उसके सैटेलाइट के तौर पे काम करता है। उन्होंने बहुत फेमस एक फ्रेज दिया था कि इस तरह की जो डिपेंडेंट डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट नहीं होकर के इट इज़ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, मतलब अंडर डेवलपमेंट का विकास हो रहा है। हटिंगटन जो है कई कारणों से जाने जाते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन के थिंकर के रूप में, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन नाम के एक फेमस बुक के ऑथर के रूप में, और थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन इसके भी ऑथर के रूप में। सो एंडर गुंडर फ्रैंक, हु अमंग इज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुक द इनिशिएटिव टू ब्रेक द आइस इन रिलेशन विद चाइना। ऑफकोर्स आपको इस फ्रेज का मीनिंग पता होना चाहिए, टू ब्रेक द आइस, टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है जब किसी दो आदमी या दो एंटिटी के बीच में रिलेशन बहुत ही ठंडा पड़ जाए, बहुत ही बेकार हो जाए, तो उसको थोड़ी उसमें गर्माहट लाना, उल्टी है टू ब्रेक द आइस, हाँ मतलब आइस जैसा रिलेशन हो जाए एकदम, मतलब बर्फीला रिलेशन, तो उसको कैसे थोड़ा सा पिघलाते जो है टू ब्रेक द आइस, वो किसने किया ऐसा, तो वो राजीव गांधी ने किया जो 1988 में
ही वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 1962 वॉर जो चाइना गए और काफी गर्म जोशी से उनका वहां स्वागत हुआ और फिर एक जो है सिलसिला चल निकला। बाद में तो आपको पता है वुहान स्पिरिट, जिसमें कि मोदी जी और जी जिनपिंग जो है मिले, मोदी जी वहां गए वुहान में, फिर वो यहाँ गुजरात में आए, दोनों ने साथ में काफी अच्छा ये किया। ऑफकोर्स उसका कोई नतीजा को अच्छा नहीं निकला कि गलवान वैली हो गई, लेकिन हाँ कोशिश जरूर की गई थी। तो राजीव गांधी 1988 में इनकी चाइना विजिट को जरूर आपको याद रखना चाहिए। व्हाट डज द टर्म सॉफ्ट पावर रेफर टू? सॉफ्ट पावर जो है ये जोसेफ नई ने एक तरह से रीडिफाइन किया इंटरनेशनल रिलेशन में, जिन्होंने रॉबर्ट कोहेन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी दी थी। सॉफ्ट पावर उनके अनुसार से वो पावर है जो यहाँ पे लिखी गई है कि आप किसी को भी, किसी मतलब दूसरे कंट्री को अपनी बात मनवाने में सफल हो जाते हो बिना कुअर्सन के, बिना डर दिखाए हुए, आर्मी सेना वॉर। अब जैसे मान लो यूक्रेन पे यदि सॉफ्ट पावर होता रसिया को, तो उसको बिना किसी लड़ाई के मनवा लेता कि तुम नेटो का पार्ट मत बनो, तुम जो है एक तरह से हमारे एसोसिएशन में रहो, हम लोग बहुत क्लोज हैं। दिस इज सॉफ्ट पावर। और अभी जो चाइना रसिया कर रहा है इट इज हार्ड पावर। इसी तरीके से ताइवान को भी जो है हार्ड पावर से डरा रहा है चाइना, ना कि सॉफ्ट पावर। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया भी था कि ये क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया था, अच्छा क्वेश्चन था। बांग्लादेश के साथ करीब हम 5000 किलोमीटर लगभग या 4000 कुछ किलोमीटर की बाउंड्री जो है शेयर करते हैं। सॉरी अगेन, नेम द नैनो सैटेलाइट सेंट इन टू स्पेस बाय बांग्लादेश। अब ये तो गेस किया जा सकता है, मैंने गेस किया, मुझे भी याद नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि या ये गेस मेरा सही है। BRAC-1 क्या है, देख लीजिए, वनेशा। सो यही है, जस्ट आप जानते हैं तो जानते हैं। विच प्रोजेक्ट इज गोइंग टू रीच सितवे पोर्ट, ये यदि थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताया, इसके बारे में यहाँ पढ़ लीजिए। ये इंडिया और बर्मा मतलब म्यांमार के बीच में जो है मल्टी मॉडल है, कहीं पे रोड है, कहीं पोर्ट है, इस तरह का है, उससे जो है वो दो जो पोर्ट को जोड़ता है वो सितवे पोर्ट म्यांमार को इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से जोड़ता है। तो कालादान इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से पूछ भी दिया। यक्षगाना इज ए फेमस डांस, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी जामिया ने पूछा हुआ है, ये कर्नाटका का जो है फेमस डांस है। तो इससे आपको ये क्लू मिलता है, यदि आप जामिया दे रहे हैं तो जैसे कि ओडिसी, उड़ीसा का कुचिपुड़ी, किसका है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी मणिपुर का डांस है, कुचिपुड़ी किसका डांस है देख लीजिएगा। जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक जो है वो यूपी की है, तो इस टाइप की डांस फॉर्म जो है, डिफरेंट डांस फॉर्म वो सब जान लीजिएगा। कुछ ट्राइबल भी बिहू एंड उस टाइप की जो डांस होती है आपको पता होना चाहिए। गड़वा, जैसे गरवा नृत्य जो है वो गुजरात का है, तो अच्छा है कि इस टाइप की कुछ हम लोग को कल्चर भी जानना चाहिए। द साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन सार की स्थापना कब हुई थी, तो लड्डू क्वेश्चन है, नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी ये पूछते हैं और ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑलवेज। नेशनल लैंग्वेज भूटान का क्या है, ये आप लोग जानते हैं, क्योंकि मैंने कई जगह अपने गाइड में जो SAU की गाइड या अदर में बताया हुआ है। डेंगजोखा कैसे पढ़ेंगे इसका, जोंखा। इसमें से दिवेई जो है शायद मालदीव की है, ये भी जान लीजिएगा। द इंडिया चाइना वॉर कब हुआ था, ये सब बहुत ही लड्डू क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डूरंड लाइन किसके बीच में, ये भी रिपीटेड है और बहुत ही आसान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इंडिया चाइना के बीच में मकमहान लाइन है, चाइना और पाकिस्तान के बीच का लाइन तो मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है रेडक्लिफ लाइन है, द अपर। तो यहाँ आप चाइना और पाकिस्तान बीच के लाइन का थोड़ा पता भी कर लीजिए। द अपर हाउस ऑफ पाकिस्तान क्या कहलाता है, इसको सीनेट कहते हैं, लोअर हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं, याद रखिएगा। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्री का आपको नेशनल अपर एंड लोअर जो पार्लियामेंट के हाउस है उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे क्या आपको पता है कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसके अपर हाउस का नाम सीनेट है, जस्ट लाइक पाकिस्तान, और जो लोअर हाउस है उसका नाम है नेशनल पीपल्स, सॉरी उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वहां का जो है लोअर हाउस है और अपर हाउस जो है सीनेट है। इसी तरीके से रसिया का जो लोअर हाउस है शायद ड्यूमा कहलाता है, जापान का डाइट कहलाता है, अपर हाउस भी रूस का पता कर सकते हैं, उसको मैंने किसी वीडियो में बताया भी है। पार्लियामेंट जो इसराइल की भी बहुत जगह पूछा जाता है, निसेट कहा जाता है। तो इस तरह से जो है पार्लियामेंट, इवन अफगानिस्तान के पार्लियामेंट का नाम कुछ लोया जुर्गा इस टाइप की है, तो वो सब जानना चाहिए। ये सब एक जनरल IR क्विज है जो कि कई एग्जाम में पूछा जाता है। इजिप्ट इज लोकेटेड इन विच रीजन, ऑफकोर्स वो नॉर्दर्न अफ्रीका में है, हम लोग जानते हैं। इजिप्ट को इसलिए भी आप जानिए कि स्वेज कैनल वहां से एक तरह से पास करती है, वो रेड सी
और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है, और वो जो जिस मिट्टी को काट के बना है वो टेरिटरी जो है वो इजिप्ट पे आती है। तो 1956 में इजिप्ट ने उसको नेशनलाइज कर दिया, उसके पहले ब्रिटिश के एक तरह से वो प्रोटेक्ट्रेट में थी, वो स्वेज कैनाल उसे एक तरह का तानातानी हो गई थी पूरे वेस्टर्न यूरोप और इजिप्ट के बीच में, तो नॉर्दर्न अफ्रीका। आपको यहाँ पे ये बता दें कि इस बार इन्होंने पूछा नहीं, लेकिन मैग्रेब पूछते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के जो पांच कंट्री उनको मैग्रेब कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए की अपोनेंट ऑफ मर्केंटलिज्म? मर्केंटलिज्म क्या होता था? एक समय में जो स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रेड, जिसके चलते कि कोलंबस और वास्को डिगामा इन सब ने खोज किया न्यू वर्ल्ड का, उनके अनुसार से नई दुनिया, तो और उसके बेसिस पे मर्केंटाइल मतलब पूरा स्टेट जो है उसी से प्रॉफिट कमा रहा है कि इंडिया से कम दाम पे जो है वो मान लो खरीद रहा है मसाला और उसको यूरोप में डिफरेंट कंट्री में हाई दाम पे बेच रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है उससे पूरा कंट्री बेनिफिट हो रहा है। मर्केंटलिज्म इसको जो है एडम स्मिथ ने जो है बुराई की थी, जो कि कैपिटलिज्म के एक तरह से फादर माना था। उनका कहना था कि फ्री एंड इक्वल ट्रेड होना चाहिए, इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे किसी को फायदा होता नहीं। इसके बदले आप जो है कैपिटलिज्म को उन्होंने जो है प्रश्रय दिया था, ना मर्केंटलिज्म। व्हेन द यूनाइटेड नेशन वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश, इस तरह के तीन चार क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ। सार्क कब एस्टेब्लिश हुआ, लाइक दैट, तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 1945 के 24 अक्टूबर को, जिस दिन की यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, उसी दिन उसके एक दो दिन बाद शायद इसकी चार्टर जो है वो इम्प्लीमेंट हुई होगी, या चार्टर साइन हुआ था। द परमानेंट मेंबर्स, लेकिन चार्टर तो मुझे जहां तक याद है 26 जून को साइन हुई थी। देख लीजिएगा क्यों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये चीज देख लीजिएगा, और ये डेट भी मैं आपको एक तरह से मेमोरी से बोल रहा हूँ। द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कौन है? ये सभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूके, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस और चाइना। यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जो 2 साल के लिए रोटेशनल बेसिस पे नॉमिनेट होते हैं, और जो उसकी, और ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि जैसे 10 और 5 15 मेंबर हो गए, तो हर महीने जो है एक मेंबर नेशन स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट का काम करता है यूएनएससी का। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन मेंबर कौन कौन है? तो करीब 50 से ज्यादा जो है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन कंट्री है, वो सभी कंट्री जो एक समय में ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे, लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑल, तो ये इसमें तीनों ही है, ऑल ऑफ द अबव। Which of the following countries was a member of League of Nations from its founding in 1920 until its dissolution 1946? अब देखिए जर्मनी तो होगा नहीं, उसका तो एक अजीब इतिहास था, वर्साई की संधि से उसको कितना परेशानी हुई थी, और वर्ल्ड वॉर टू भी उसने किया था, तो आप गेस कर सकते हैं कि जर्मनी नहीं होगा। यूएसएसआर भी उसमें, यूएसएसआर और यूएसए दोनों ही इसमें शामिल नहीं हुआ था, और जापान भी कहीं ना कहीं नहीं हुआ, क्योंकि वो भी तो एक तरह से एक बेलिजरेंट पावर होता गया था इंटरवॉर में। तो केवल एक ही ऑप्शन बचता है जो मोस्ट प्रोबेबली होगा, मैं इस पे मैं गेस करके बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है ज्यादा सही है, उसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब हो नहीं सकता है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम? तो एनपीटी जो बोलते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुई, इसमें यह था कि जिन पांच, उस समय में 5 कंट्री के पास केवल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी था कि कोई छठा कंट्री ना बन पाए, तो जितना हुआ प्रसार उसको रोक दो। लेकिन इसको इंडिया जैसे कंट्री ने यह कहा कि ये तो बहुत गलत बात है ना, कि ये तो उसी तरह की बात है कि आप ट्रेन में अंदर घुस गए तो फिर शटर बंद कर दो कि और कोई ना जाए, मतलब आप न्यूक्लियर पावर बन जाओ और फिर कोई ना बन पाए जिससे कि आपकी मोनोपोली चले। तो इसलिए इंडिया ने कभी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया। तो इसको आप ऐसे पढ़ेंगे चारों, तो आपको एक ही सही नजर में आएगा इंग्लिश में, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। बी, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग फ्री ट्रेड, रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर? ये सब बहुत आसान है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो IMF है, उसका काम है एक तरह का एक्सचेंज रेट मॉनिटरिंग, कोई फॉरेन एक्सचेंज की किसी को क्राइसिस हो जाए, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, तो उसको हेल्प करना, टेक्निकल और मैनेजेरियल मदद पहुंचाना डेवलपमेंट में, लाइक दैट। वर्ल्ड बैंक का मेन काम है लॉन्ग टर्म लोन देना डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए बहुत कम इंटरेस्ट पे, और हेल्प करना कंट्री को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अदर डेवलपमेंट गोल मीट करने में। द प्रेजेंट कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान क्या है? ये क्वेश्चन इनका गलत है, क्योंकि प्रेजेंट कैपिटल का नाम है अस्ताना, और अल्माटी जो है 1997 से कैपिटल, कैपिटल काफ़ी चेंज की है, तो अभी जो है अस्ताना है, एक समय में नूर सुल्तान भी था जिसका नया नाम कुछ बदल गया है, तो आप नेट पे जाके देख सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। जो रिवर यूक्रेन से फ्लो करती है, मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैंने कई रिवर, पहाड़, इन सब का कहा था कि आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और चूंकि यूक्रेन अभी हॉट है तो ब्लैक सी मैंने कहा था कि जरूर जानिएगा, लेकिन इन्होंने रिवर पूछ दिया तो आपको थोड़ा गेस करना चाहिए था।
निपर जो है उसको कैसे पढ़ेंगे, डेनिपर या निपर, ये वहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, तो इन सब रिवर को भी जान लीजिएगा। अब यहाँ सॉरी ये तो थोड़ा सा पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन अलेक्जेंडर पुश्किन के बारे में कहा जा रहा है। अलेक्जेंडर पुश्किन ने जो सबसे बहुत सारे बुक लिखे हैं उसमें से जो सबसे जो इम्पोर्टेंट नॉवेल है वो यूजिन ओनजिन है। लेकिन ये क्यों पूछा है, क्यों जाना चाहिए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को, आई डोंट नो। यूजिन ओनजिन जो है एक तरह का किस कंट्री की नॉवेल है ये, ये भी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये इतना फेमस हुआ शायद ये रसिया की है, ये रसिया की है। उसमें मतलब एक ओनजिन, ये जो है ना कैरेक्टर का नाम है, यूजिन ओनजिन जो है कैरेक्टर का नाम है, और इसमें ह्यूमन जो ट्रेजेडी है रिलेशनशिप की, कि कैसे दो दोस्त होते हैं और फिर उसकी लवर होती है और उसकी लवर की बहन होती है, दो लड़की है दो लड़के हैं, और कैसे आपस में सबके जीवन उलझ जाते हैं, इसमें मर्डर भी हो जाता है, और ये इतना पॉपुलर नॉवेल हुआ, इसके इतने अनुवाद किए गए, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवेल एक समय में वर्ल्ड में हो गया, तो इसलिए अलेक्जेंडर पुश्किन का लोग याद करते हैं। लेकिन इसको क्यों जानना चाहिए, डोंट नो, ये सब ऑर्बिट क्वेश्चन है, पहला ऑर्बिट क्वेश्चन मैं बोलूंगा है। क्रीमियन पेनिनसुला को कब हड़प लिया था रसिया ने, ये मैं कई बार मैं बोलता हूँ, ये 2014 में हड़प लिया था, तो अभी का जो उसका अटैक है पहला अटैक नहीं है, यूक्रेन को उसने एक बार और जो है इस तरह से टेरिटोरियली हड़पा है, विच से, और ये भी याद रखिए कि इसी हड़पने के बाद 2014 में इसको G8 से निकाल दिया गया था रसिया को, और वो G7 में कन्वर्ट हो गया था। विच सेंट्रल एशियन कंट्री आर शेयरिंग बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका है, मैंने कहा था कि इस तरह का जरूर सेंट्रल एशिया में देख लीजिएगा, तो ये जो है ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है, बस एक बार चेक कर लीजिएगा। नवरोज जो है वो मार्च में जनरली सेलिब्रेट किया जाता है, नवरोज जो है पारसियों का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जो जोरास्ट्रियन होते हैं, जोरास्ट्रियन होते हैं, फायर गॉड की इस तरह की पूजा करते हैं, और एक बात ध्यान रखिए कि पारसी वो लोग हैं ईरान के जो वहाँ मुस्लिम धर्म के आने के पहले थे, और वो वहाँ से पर्सिक्यूशन के चलते भाग के डिफरेंट जगह गए, इंडिया में भी काफ़ी आया, और वो नवरोज मनाते हैं, तो इसको स्प्रिंग कह सकते हैं। कैस्पियन सी इज बॉर्डर्ड बाय, ये तो मैंने गेस किया था कि ये पूछा जाएगा, और इन्होंने पूछ भी दिया, पहले भी एक दो जगह इन्होंने कहीं पूछा हुआ है, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, रसिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। कैस्पियन सी, ब्लैक सी, ये सब उसके जो चारों तरफ जो कंट्री हैं जरूर आपको पता होना चाहिए, इस तरह कैस जो पर्सियन गल्फ है उसमें कौन कौन से कंट्री है, रेड सी के पास कौन से कंट्री है, ये सब पता होना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल ज्योग्राफी में यदि आप जामिया दे रहे हैं तो। CSTO भी मैंने आपको गेस किया था कि पूछा जा सकता है, इन्होंने पूछ दिया। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री है तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके, वो उन्होंने रसिया के साथ में एक जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। यहाँ पे आप CIS को भी याद कर लीजिए, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, जो कि USSR के जो 15 रिपब्लिक थे उसमें से 9 रिपब्लिक ने मिलकर के एक तरह का अलग अपना कॉमनवेल्थ बनाया है। व्हाट इज द टाइप ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड थ्रू ब्यूरोक्रेसी, ये कॉमन सेंस क्वेश्चन है, ब्यूरोक्रेसी किस तरह कंट्रोल करेगी, ऑफिशियल तो इनफॉर्मल नहीं करेगी, फॉर्मल करेगी, तो ये फॉर्मल कंट्रोल करती है, कोर्ट तो ऐसे ही है, मतलब जस्ट ये आ जाना चाहिए कि जो कंट्रोल होता है ब्यूरोक्रेसी का वो फॉर्मल कंट्रोल होता है। Who wrote the book Mind, Self and Society? ये सेकेंड अरबिट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल पता नहीं होगा और पता होना भी नहीं चाहिए, इसको लिखा है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, और ये एक तरह का सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो है वो बुक है, जिसमें कि मीड जो है ये कहते हैं कि कैसे हम जो है अपने सेल्फ को, जो हम क्या हैं, कोई भी इंडिविजुअल कैसे वो विजुअलाइज करता है अपने आप को, और उसमें वो आई और मी में फर्क बताते हैं। आई जो है वो एक तरह का आपका फोर्सफुल इंडिविजुअलिज्म, जो इंडिविजुअल एजेंसी है उसको दर्शाता है, आई कैन डू दिस लाइक, एंड मी जो है वो एक एम्बेडेड सेल्फ को बताता है, जो अपने सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, जो उसके नॉर्म वैल्यू इथिक्स है, उससे बंधा हुआ जो सेल्फ होता है, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होता आई की तरह, जो कि एक कॉन्टेक्चुअल सेल्फ होता है, उसकी बात करते हैं। तो कैसे मतलब इंडिविजुअल अपने और सोसाइटी को रिलेट करता है, और अपने माइंड को अपने सेल्फ से, और फिर अपने सेल्फ को सोसाइटी से, इन सब पे ये बुक है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये अगेन ये उसी तरह की बुक है, ये सी राइट मिल्स की। सी राइट मिल तो एक इलिटिस्ट थिंकर हैं, जो कि पावर इलीट के लिए जाने जाते हैं,
अमेरिका के, लेकिन इन्होंने एक सोशियोलॉजिस्ट भी थे, तो इन्होंने जो एक बुक लिखी थी सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ये तो कई जगह ये इसको पहले PISM इन सब एग्जाम में JNU भी पूछता था, तो DU ने भी पूछा हुआ है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सोशियोलॉजी का। अगेन उसी तरह की है कि एक इंडिविजुअल जो है वो कैसे अपने को रिलेट करता है जो लार्जर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, जो हिस्टोरिकल जो चल रहा है जिसके बहाव में। आज यदि मान लीजिए हम इंडिया में हैं तो एक पूरा हिस्ट्री हमारे पीछे है, और जो आज सोशियो कल्चरल हमारे गिवन है, जिसको हम गिवन मानते हैं, जिस टाइप की सत्ता है, जिस टाइप की पॉलिटिकल व्यवस्था है, जैसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, जैसा समाज का रूल रेगुलेशन है, वो गिवन हमारे लिए है। उसमें हम अपना जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है उसको कैसे डेवलप करते हैं, हमारा अपना ओन एक्शन जो एक इंडिविजुअल का होता है, और जो ये लार्जर सोशियो कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें कैसे वो एडजस्टमेंट करता है, और वो जो स्ट्रक्चर वो कितना कंस्ट्रेन करता है एक इंडिविजुअल के एक्शन को, और इंडिविजुअल कैसे उससे रिकनसाइल करता है, इन सारी बातों को सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में सी राइट मिल ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और इससे आपको इन दो बुक से समझ में आ गया होगा कि हर इंडिविजुअल ये जूझता रहता है अपने पूरे जीवन में, जो जिसको हम कहते हैं सिस्टम से जूझता है, मतलब जो गिवन सोसाइटल सोसाइटल नॉर्म्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन नॉर्म्स हैं, और उसकी अपनी जो इच्छा है, अपनी जो एजेंसी है, अपनी जो कर्मठता है, इंटरप्राइज है, इसके बीच में हमेशा वो द्वंद होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टारगेट्स कब तक अचीव करना है, तो SDG जो है वो 17 है, मैंने बताया है, ये भी आपको बताया था कि 2015 में ये शुरू हुई थी और 2030 तक इसको अचीव करना है। इसके पहले MDG थी जो कि खत्म, उसका पीरियड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये 8 थे और इसको 2000 से लेके, इसको मिलेनियम कहा गया, तो 2015 तक अचीव करना था, तो ये 2016 से 2030 तक करना है। नर्मदा रिवर जो है फ्लो कहाँ से करती है, तो हिमालय में करती नहीं है, नॉर्दर्न प्लेन में नहीं करती है, ईस्टर्न घाट में नहीं है, इंडियन पेनिनसुला में करती है। ये अमरकंटक के नाम के एक जगह से निकलती है मध्य प्रदेश में, जो पहाड़ी इलाका है अमरकंटक, एक पतली सी धारा से, और वो फिर जो है ना वेस्ट वार्ड चलते हुए वेस्टर्न घाट को क्रॉस करते हुए अरेबियन सी में गिरती है। अब यहाँ पे एक बहुत मजेदार बात देखेंगे, यदि आप ऊपर से स्पेस से देखें या हवाई जहाज से देखें, तो आपको जो वो पार्ट है पेनिनसुला का, इंडिया का, वो इधर झुका हुआ दिखेगा, मतलब ऐसा है, मतलब टिल्ट है, ईस्टर्न डायरेक्शन में टिल्टेड है। लेकिन आप समझिए कि ये सारी नदियां जो हैं आपको वेस्ट से ईस्ट में बहती हुई दिखेंगी पेनिनसुला में, लेकिन ये उल्टा है, नर्मदा और तापी भी लगभग इसके पैरल बहती है, ये उल्टा ईस्ट टू वेस्ट बहती है। तो इस पे ज्योग्राफी में ये कहा जाता है कि ये रिफ्ट वैली में बह रही है, मतलब ये हजारों लाखों साल पहले ना वो जमीन में एक दर्रा था, उससे ये बहती थी, बाद में ये जो है इंडिया का ऐसे ऐसे झुक गया है और वो ईस्टर्न डायरेक्शन में झुक गया प्लेटू पूरा, लेकिन वो दर्रा चूंकि पहले से था तो उस दर्रे में जो है ये बहते हैं, तो ये रिफ्ट वैली में बहते हैं। इसलिए अपना जो इनका जनरल जो 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 झुकाव है लैंड का, टोपोग्राफी, उससे ये अपोजिट डायरेक्शन में बहते हुए होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रिवर नर्मदा और तापी है। द लोएस्ट नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, जिसको सेक्स रेशियो बोलते हैं, 2011 के पॉपुलेशन सेंसस जो है वो हरियाणा में था, कुछ 893 नंबर हुए टाइप का। आपको यहाँ भी पता होना चाहिए कि 221 का सेंसस अभी तक नहीं हुआ है, कोरोना के चलते और बहुत अदर कारणों के चलते अभी तक वो हुआ नहीं, उसे 2021 में हो जाना चाहिए था, तो हमारे पास में जो लेटेस्ट सेंसस है वो 2011 का ही। विच सेंट्रल एशियन कंट्री इज द रिचेस्ट वन इन हाइड्रोकार्बन रिसोर्स, हाइड्रोकार्बन मतलब कि ऑयल एंड गैस कह लीजिए, और ये जो ऑफकोर्स ये कजाकिस्तान है जो सबसे रिच कंट्री है सेंट्रल एशिया की। सेंट्रल एशियन सभी कंट्री में हाइड्रोकार्बन रिजर्व हैं, इसके अलावा सभी जो हैं स्टेप ग्रासलैंड होने के चलते, दो तरह के ग्रासलैंड होते हैं, कि स्टेप कहते हैं और एक प्रेरी कहते हैं, नाम है केवल, दोनों ही जो है टेम्परेट ग्रासलैंड है। वहां पे बहुत जम के जो है गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का, बार्ली, इन सब की खेती होती है बहुत जबरदस्त, खास करके मक्का और गेहूं की, इसलिए ग्रेन ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। यूक्रेन भी इसमें आता है, रसिया भी आता है और नॉर्थ अमेरिका भी आता है। द थ्योरी ऑफ कंटिनेंटल ड्रिफ्ट किसने दिया था, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन, आई डोंट नो ये क्यों इतना ज्यादा ज्योग्राफी पूछते हैं, कोई किसी ने भी थोड़ा भी यदि ज्योग्राफी पढ़ा हो तो अल्फ्रेड वेगनर को वो याद करेगा, क्योंकि उसने कंटिनेंटल ड्रिफ्ट का थ्योरी दिया था। ये थ्योरी क्या था, इसका कहना था कि लाखों या करोड़ों साल पहले पूरी जो अर्थ थी ना वो एक ही जो है एक कंटिनेंट था, उसका नाम पैंजिया, वो नाम भी देते हैं, ये भी पूछा जाता है ज्योग्राफी में, पैंजिया, और बाद में ये टूटने लगा और टूट टूट के अलग हो गया, तो अफ्रीका हो गई एक पार्ट उसका,
इंडिया हो गया तो अमेरिका हो गया, और वो ये भी कही कही जाती है कि इंडिया जो गोंडवाना लैंड था, मतलब वो पेंजिया का एक पार्ट, वो और अफ्रीका जो है वो एक ही पार्ट थे बहुत दिन तक, फिर टूटे, इसलिए अफ्रीका इंडिया को यदि आप मिला दो तो आपको लगेगा कि वो फिट हो जाते हैं, उसको जिग्सॉ फिट बोलते हैं, और एक ही तरह का आपको पत्थर और खनिज इस टाइप के मिलते हैं कुछ पार्ट में, ईस्टर्न अफ्रीका और इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में। द ग्लोबल एक्शन प्लान अडॉप्टेड एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट, तो बहुत लंबा चौड़ा, मतलब रियो समिट जब हुई थी तो उसमें एक एजेंडा अपनाया गया था, उसको एजेंडा 21 कहते हैं। मैंने आपको बताया कि एजेंडा 21, CBDR, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और UNFCCC, जिसके तहत द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसके तहत की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है जो अभी तक 27, ये सब जो है वो 1992 के रियो अर्थ समिट जो रियो डी जेनेरो ब्राजील में होती है उसी से जनरेट हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ थ्री स्फेयर्स, तो थ्री स्फेयर्स आप कन्फ्यूज कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा भी सोचेगा तो इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड इक्विटी, इकोलॉजी तो इन्वायरमेंट में ही आ गया, तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, और इंटर जनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी मतलब कि आगे के जनरेशन को हमको छोड़ना, और अभी भी जो जनरेशन अर्थ पे हैं उनमें सब में जो है एक सोशल जस्टिस होनी चाहिए रिसोर्स को लेके, ये ना कि कोई कंट्री अमेरिका सब रिसोर्स खा जाए और कोई युगांडा बेचारा उसके लोग कुछ ना खाए, क्योंकि कॉमन हमारा हेरिटेज है, कॉमन रिसोर्स सबके लिए है। सो डियर स्टूडेंट, मैंने बहुत हड़बड़ी में इसको बनाया, ऑफकोर्स मैंने बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिर भी मैंने बोले हैं, ऑफकोर्स लिख के नहीं दिया है। यदि आप गौर से इसको दो तीन बार सुनेंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम के लिए फायदा होगा। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि ऐसे तो CUET PG के लिए है लेकिन जामिया के लिए भी, CPET उड़ीसा के लिए, और इवन UGC नेट जो जून में होने वाले उसके लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट है एट नॉमिनल कॉस्ट, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलरेडी अभी ऑन है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस मेल आईडी पे भेज के, इस पे भी भेज सकते हैं, वैसे मैंने ये जो मेल आईडी तो पुराना है, आप चाहें तो इस पे भी भेज सकते हैं जो कि छोटा और नया मेल आईडी है, तो मैं अल्टरनेट मेल आईडी भी दे रहा हूँ, यहाँ पे भी आप भेज सकते हैं। इस तरीके से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग जामिया पॉलिटिकल साइंस के कुछ टिप्स लेके, जिसके लिए काफी रिक्वेस्ट मुझे आ रहे हैं। तब तक के लिए विदा।